नमस्कार, मैं अभिषेक, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। काफ़ी दिनों से यार इंतजार था MES की वैकेंसी का, MES जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र B&S 502 वैकेंसी। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था यार, लेकिन बहुत ही दुख की बात है। आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सब कुछ क्या कैसी है। इसके पहले हमने देखा था ये BTech डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी थी, लेकिन इन्होंने इतना चेंज कर दिया कि नोटिफिकेशन ही इसको नॉनटेक का कर दिया है। तो इसके बारे में पूरा बात करूँगा, आप क्या बताएँ, क्या करना चाहती है सरकार, क्या नहीं, यही समझ में नहीं आता। डिपार्टमेंट 2015 में आपने निकाला था, ये वैकेंसी में BTech डिप्लोमा वाले अप्लाई किए थे और हुए थे, वो इस समय जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपने अचानक इतना नोटिफिकेशन चेंज कर दिया। यहाँ आप देखेंगे तो एप्लीकेशन आज ये 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। सर्कुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी यहाँ तक आपका पूरा होना चाहिए, उसके बाद 22 मार्च यानी आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 5 बजे से यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है। क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल को रात 12 बजे तक होगी। टेंटेटिव OMR एग्ज़ाम यानी 16 मई को आपका एग्ज़ाम होने का है। यहाँ पर इन्होंने यार बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है, क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। कैंडिडेट यहाँ ड्राफ्टमैन के लिए जो यहाँ पर डिप्लोमा मांगता था, मस्ट बी है पास 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फॉर ए रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑटो कैड ऑपरेटिंग और जीरोक्स प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन मशीन। ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, मास्टर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिक बिजनेस स्टडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर्स कीपर, और या तो बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स स्टैटिक्स स्टडीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिकोगनाइज एनी यूनिवर्सिटी, यानी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हैंडलिंग। यानी आपने क्या कर दिया, पूरे डिप्लोमा या BTech ये तो ठीक था, लेकिन आपने स्पेशलाइज कर दिया कि इकोनॉमिक्स वाले हैं या किसी अदर ब्रांच वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त बहुत ही दुख की बात है यार कि इन्होंने पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बदल दिया। यानी आपने ऐसा कर दिया कि जो टेक्निकल वाली भर्ती थी उसे नॉनटेक में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है यार। 4 साल पहले 5 साल पहले आपने भर्ती की थी, डिप्लोमा BTech स्पेशलाइज कर दिया था, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, BTech होना चाहिए, ITI टेक्निकल डिग्री 2 साल की कम से कम होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपने क्या कर दिया, पूरा वैकेंसी ही नॉनटेक की कर दी। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल MES की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी वही है 450 और 52, यहाँ टोटल 502 पोस्ट है, आप देख सकते हैं क्लियरली सारी चीज़ें हैं। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी था। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कैसे, कब आएगी वैकेंसी, कहाँ से ऑनलाइन होगी। यहाँ पर देखेंगे DMine की वैकेंसी सुपरवाइज़र की है, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ है यार। तो क्या बताऊँ, इसका नोटिफिकेशन आप जाकर MES की वेबसाइट पर देख लीजिएगा। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ओके, थैंक यू।